नमस्कार, स्वागत है आप सबका। हम फिर हाजिर हैं लेकर टॉप फाइव, जिसमें बताते हैं शाम को 5:25 खबरों का पूरा अपडेट। तो आज की बड़ी खबरें विस्तार से अपडेट के साथ, आइए देखते हैं। सारे विश्व की नजरें इस वक्त दिल्ली पर हैं। चल रहा है G20 समिट, शुरुआत आज से हो चुकी। नई दिल्ली में अगवानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उन्होंने गर्मजोशी के साथ मेहमानों को वेलकम किया। भारत मंडपम पहुंचकर एक एक नेता का इस्तकबाल किया। इस दौरान अमेरिका, यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, अर्जेंटीना, सऊदी अरब समेत G20 के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि एक एक करके आयोजन स्थल भारत मंडपम में प्रवेश करते दिखे और प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विशेष अतिथि के रूप में बुलाए गए प्रतिनिधियों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। कार्यक्रम के शुरुआत में मोरक्को से आए भूकंप से हुई जनहानि के लिए पीएम मोदी ने शोक प्रकट किया और मिलकर मोरक्को को इस संकट की घड़ी से उबारने में मदद करने का आह्वान किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का ऐलान किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा, दुनिया में विश्वास का संकट पैदा है जिसे सभी को मिलकर भरोसे में बदलना होगा। सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में पाबंदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। सीएम ने कहा था कि पाबंदियों की वजह से दिल्ली नहीं आ रहा हूं। इस पर एमएचए ने सीएम के बयान का खंडन किया है। गृह मंत्रालय ने सीएम बघेल के बयान पर यह कहा है कि मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के लिए यहां कोई पाबंदी नहीं है। G20 सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं करने और सीएम को आमंत्रित किए जाने पर मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन का किसी का कोई विरोध नहीं है, अच्छी पहल है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन आपके घर में आपके अपनों का ही सम्मान नहीं हो रहा, आप उनसे दूरी बना रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए, ये देश सबका है, सबको भागीदारी करने का अधिकार है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता परिवर्तन के लिए 12 सितंबर को परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। दंतेवाड़ा से शुरू होने वाली इस परिवर्तन यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बस्तर से निकलने वाली इस यात्रा को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बस्तर की 12 विधानसभा सीटें बीजेपी 2018 में हार चुकी थी, इसलिए इस बार भाजपा अपने समीकरण बेहतर बनाने की कोशिश में जुटी है। रेप के आरोप में जेल से रिहा होने के बाद मिर्ची बाबा का गुस्सा बीजेपी सरकार पर जमकर फूट रहा। आज मिर्ची बाबा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाद सड़क पर मुंडन करवा लिया। नाराज मिर्ची बाबा मुंडन करवाते वक्त रोते नजर आए। शंख की ध्वनि के बीच मुंडन हुआ और शिष्यों ने मंत्रों का जाप किया। मुंडन के बाद मिर्ची बाबा ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने उन्हें साजिश के तहत बलात्कार के केस में उलझाया है। चुनावी साल है और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज एक के बाद एक कई घोषणाएं कर रहे हैं। मुरैना में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल सीएम शिवराज ने जिले को बड़ी सौगातें दी। सीएम ने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। 28 सितंबर को भूमि पूजन के लिए आने की बात भी पहले से बताई। सीएम शिवराज ने जौरा को नगर पालिका बनाने का ऐलान भी इस दौरान किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम को टिकट देने के खिलाफ क्षेत्र के कांग्रेसी लामबंद हो गए। बड़ी संख्या में कांग्रेसी शुक्रवार आधी रात तक प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ दीपक बैद से मिलने डटे रहे। कांग्रेस के पदाधिकारी ने कहा कि मोहन मरकाम का बर्ताव क्षेत्र की जनता और कांग्रेसियों के साथ अच्छी नहीं है, इस वजह से हम नहीं चाहते कि उन्हें फिर से टिकट मिले। और अगली खबर रतलाम से है। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इंडिया गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। गठबंधन को महामूर्खों का गठबंधन उन्होंने बताया और कहा कि ये पाकिस्तान, चाइना और अरब देशों से ही संचालित हो रहा है। उन्होंने ये संभावना भी जताई कि गठबंधन आतंकवादियों के हाथ की कठपुतली भी हो सकता है। साथ ही रामेश्वर ने यह भी पूछा कि सनातन धर्म पर उदयनिधि की टिप्पणी से क्या सोनिया, राहुल और खड़गे सहमत है, और अगर सहमत नहीं है तो इसे घमंडी गठबंधन को क्यों तोड़ नहीं देते। ये हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्रकारियों का गठबंधन है
बल्कि हम ये कहेंगे ये गठबंधन पाकिस्तान से संचालित होने वाला गठबंधन है, ये गठबंधन चाइना से संचालित होने वाला गठबंधन है, ये गठबंधन अरब पट्टी से होने संचालित होने वाला गठबंधन है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आतंकवादियों के हाथ की कठपुतली भी ये गठबंधन हो। ये हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्रकारियों का गठबंधन है, बल्कि हम ये कहेंगे ये गठबंधन पाकिस्तान से संचालित होने वाला गठबंधन है, ये गठबंधन चाइना से संचालित होने वाला गठबंधन है, ये गठबंधन अरब पट्टी से होने संचालित होने वाला गठबंधन है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आतंकवादियों के हाथ की कठपुतली भी ये गठबंधन हो सकता है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि सरकार हर क्षेत्र में बढ़कर ऐतिहासिक काम कर रही है। सरकार ने किसानों, युवाओं और महिलाओं का भरोसा जीता है, हर वर्ग के लिए अच्छे काम किए हैं। वहीं कांग्रेस पर सिंधिया ने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ कांग्रेस चुनाव को प्रजातंत्र का उत्सव बताती है और दूसरी तरफ उस उत्सव में पथराव और पोस्टरबाजी करती है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा। अरुण साव के नेतृत्व में 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और महिला अपराध के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी मौजूद रहे। धर्मलाल कौशिक, सरोज पांडे, ब्रिजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने चावल कस्टम मिलिंग के लक्ष्य को कम कर दिया है। इस पर पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार का काम आरोप लगाने का नहीं है, जब तक धान खरीदी का समय आएगा तब नई सरकार आ जाएगी। ब्रजमोहन अग्रवाल ने 3,600 रुपए धान के दाम वाले मुद्दे पर चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस घोषणा करे कि अपने पूरे कार्यकाल की बजाय पहले साल से ही 3,600 रुपए देगी। ब्रजमोहन अग्रवाल से बातचीत की संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से चावल कस्टम मिलिंग में जो लक्ष्य किया था वो कटौती कर दी है और जिसके कारण अब राज्य सरकार सीधे आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर। सर, जो पहले 84 का लक्ष्य दिया गया था, टारगेट हुआ था, सहमति दी गई थी, अब उसको 61 कर दिया गया है, आखिर ऐसा क्यों? 84 में भी आरोप लगा रहे थे कि ये मजबूरी में खरीद रहे हैं, 61 में भी आरोप लगा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का काम आरोप लगाना नहीं है, उनका काम समस्या का समाधान करना है। और उनको मालूम है कि धान तो उनको खरीदना नहीं है, सरकार बदलने वाली है जब तक धान खरीदने का समय आएगा, इसलिए वो आरोप लगाते हैं। मुख्यमंत्री को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, उनको तो काम करने का अधिकार है, वो अपना काम करें। दूसरी ओर 3,600 रुपए देने की बात भी कह रहे हैं। नहीं, कौन सा 3,600 रुपए, कहाँ का 3,600 रुपए? चलो देना है, घोषणा करें कि हम पहली साल 3,600 रुपए देंगे। उन्होंने कहा आखिरी तक दो, तो मोदी जी के दम पर बोल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हर साल लगभग 75 रुपए बढ़ा रहे हैं, तो उनको लगता है कि तब तक 3,600 रुपए हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी, उसके दम पर, ये अपने दम पर थोड़ी बोल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जो है पूर्व कृषि मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार केवल भ्रम पैदा कर रही है और उन्होंने कहा है कि सरकार ही जो है 2023 में कांग्रेस के नहीं बन रही है और छत्तीसगढ़ में धान भाजपा की सरकार खरीदेगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने नजर आएंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में दो बार के विधायक रह चुके पंडित गिरजा शंकर शर्मा 10 सितंबर को कांग्रेस के हो जाएंगे, कांग्रेस का दामन थामेंगे। गुरुवार को गिरजा शंकर शर्मा की पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात हो चुकी है। कमलनाथ ने गिरजा शंकर शर्मा के लिए कांग्रेस के दरवाजे खोलने पर सहमति दी। पंडित गिरजा शंकर शर्मा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी विधायक सीताशन शर्मा के भाई हैं। कोई राजनीतिक भूमिका मेरे को निभाने का कोई अवसर है, निर्वहन करने का अवसर है, वो कांग्रेस में जाकर ही है और इसीलिए मैंने कांग्रेस में ज्वाइन करने की अपनी इच्छा से अवगत करा दिया था। खरगोन के बड़वाह में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में शामिल होने से पहले विजयवर्गीय ने नागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर से ही रोड शो किया। विजयवर्गीय के रोड शो में हजारों लोग उमड़े और रोड शो का जगह जगह स्वागत भी किया।
नजरान विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान देते हुए परिवर्तन की लहर से इनकार किया और कहा कि कार्यकर्ताओं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि जनता ने 15 महीने की सरकार को देख लिया है और रिजेक्ट भी कर दिया है। शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो तो कुछ भी कहे उससे क्या होता है, उनको 15 महीने में लोगों ने उनको देख लिया और टेस्ट कर लिया और उनको रिजेक्ट भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और हमने काम किया, आगे भी हम काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों को लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस से पूछा कि 23 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही प्रियंका गांधी क्या रेप पीड़ितों से मुलाकात करने जाएंगी। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा क्या छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। सरोज पांडे ने कहा कि बीजेपी परिवर्तन यात्रा में महिलाओं के मुद्दे उठाएगी। सरोज पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध की घटना हो रही है और इस मुद्दे को लेकर आप आज देख सकते हैं कि भाजपा का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा था। और आप देखिए हमारे साथ तीन भाजपा की नेत्री हैं, सरोज पांडे राज्यसभा सांसद, वहीं जो है लक्ष्मी वर्मा जी और पूर्व मंत्री जी। सीधे सबसे पहले सवाल है, घटनाएं घट रही है इसको लेकर आक्रोश कितना है आप लोगों में? क्या आक्रोश की बात नहीं है, यह हमारी अस्मिता की बात है। जब अस्मिता पर आघात होगा तो आक्रोश जब फूटता है तो उसका कहीं कोई सीमा नहीं होती है। प्रियंका गांधी जी 23 तारीख को आ रही है महिला सम्मेलन को संबोधित करने के लिए। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया था। यहाँ की बच्चियों के लिए लड़ेंगी, मंदिर हसौद की जो बच्चियाँ जिनके साथ बलात्कार हुआ उनके लिए लड़ेंगी, जिस बच्ची को सड़क के ऊपर में मारा गया उसके लिए लड़ेंगी, या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ केवल उत्तर प्रदेश के लिए है? इस विषय पर मैं उनसे प्रश्न करना चाहती हूं। हम सड़क की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जो कांग्रेस है वो कह रही कि बीजेपी शासनकाल में हमारे शासनकाल से ज्यादा घटनाएं हुई थी, उस पर जवाब दे। जो सरकार में होता है वो इन प्रश्नों को इस प्रकार के प्रतिप्रश्न से नहीं बच सकता है। अगर आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते हैं, अगर आप अक्षम हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कानून व्यवस्था की बहाल करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार में बैठे लोगों की अपनी ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो प्रियंका गांधी आ रही हैं छत्तीसगढ़, तो उनको भी जो है ऐसे पीड़ितों के घर जाना चाहिए और मैसेज देना चाहिए। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रही है, ये आरोप सरोज पांडे ने लगाया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में, कह रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से इन मुद्दों को उठाया जाएगा। अब देखना होगा कि इसका फायदा भाजपा को कितना मिल रहा है। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी की जीत को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होते ही नहीं, वहां चुनाव के नाम पर नाटक होता है, दादागिरी होती है, गुंडागर्दी होती है, गोलीबारी होती है, बमबाजी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए बंगाल चुनाव के नाम पर देश के कंपेरिजन करना ठीक नहीं है। बड़े चुनाव में मतदाता बड़े स्तर तक सोचता है कि देश का नेतृत्व कौन करेगा। बता दें कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं केरल की पुथुपल्ली विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होते ही नहीं, वहां चुनाव के नाम पर नाटक होता है, दादागिरी होती है, गुंडागिरी होती है, गोलीबारी होती है और बमबाजी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इसलिए बंगाल के चुनाव को लेकर कोई भी देश में कंपैरिजन करना ही है। अभिनेता अक्षय कुमार महाकाल के शरण में उज्जैन पहुंचे। अक्षय कुमार ने बेटे के साथ महाकाल की पूजा की। एक्टर अक्षय कुमार भस्म आरती में भी शामिल हुए। क्रिकेटर शिखर धवन ने भी महाकाल के दर्शन किए। दरपत्थल गांव में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति तमता के प्रबंधक गोविंद यादव की बहाली हो गई। फिर से उनके प्रबंधक के पद पर पदस्थ किए जाना की बात सामने आई, जिसको लेकर किसान लामबंद हो गए। गोविंद यादव का विरोध फिर शुरू कर दिया। प्रबंधक गोविंद यादव को 19 लाख के गबन के मामले में बर्खास्त किया गया था, लेकिन उच्च अधिकारियों ने प्रबंधक की फिर बहाली कर दी। इसी बात से किसान नाराज है।
जशपुर की तपकरा पुलिस ने 50 लाख की चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 1,31,000 रुपए नगद और एक स्कूटी के साथ सोने चांदी के जेवरात जब्त किए हैं। जब्त सामान की कीमत 39,66,000 रुपए बताई जा रही। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर अनूपपुर जिले से आपको बता दें, पुष्पराजगढ़ में बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल कानूटोला और मंझटोला स्कूल के भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हालात ये हैं कि शिक्षकों ने अपने ही घरों को स्कूल में तब्दील किया है। दूसरी तरफ परसे कला में आज तक आंगनबाड़ी भवन नहीं बन पाया है। सिर्फ पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे जिले में कुछ ऐसे ही हालात हैं। तो आज के टॉप फाइव में बस इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें, बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का अपडेट सिर्फ IBS 24 पर। फिलहाल हम इजाजत दें, नमस्कार।